इनकी बहुत बिग टेस्टमनी है। इनका नाम रणजीत सिंह है और ये जंडियाला के रहने वाले हैं। 8 साल से पास्टर जी एक भाई हर प्रकार का नशा करते थे, जैसे कि एक बोतल डेली की शराब की पीते थे, 5 इंजेक्शन लगाते थे और 10-12 गोलियां ये मेडिकल नशा करते थे, भांग का नशा करते थे, हर टाइम नशे में रहते थे। ये राज मिस्त्री का काम करते थे, कहते बिना नशे के ये अपने काम पे नहीं जाते थे। सारा कमाई जितने भी पैसे कमाते थे 1 रुपया घर नहीं देते थे और सारा पैसा इनका उन नशों में जाता था। फैमिली से भी पैसा मांगते थे, जब नहीं देते थे तो लड़ाई झगड़ा करते थे और फिर भी नहीं देते थे तो ये घर का कहते सामान बेच बेच कर नशा करते थे। बहुत सारे कहते नशा छुड़ाओ केंद्र में भी गए लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत जगहों पे भी गए कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको चर्च के इब्बन चर्च पंकज रंधावा मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये भाई 22 मई 2022 को पहली बार चर्च भवन में इब्बन चर्च में आए और आपने उसी दिन इनके ऊपर ले हैंड की। ले हैंड जब किया परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और ये भाई कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि जब दूसरों के लिए आप प्रेयर कर रहे थे तो लोग पवित्र आत्मा से भरकर गिर रहे थे, कहते मैंने बोला कि एक इंसान छुए और कैसे गिर जाए वो पर्सन, कहते मैंने खुद को मजबूत किया और मैं उस दिन नहीं गिरा और आपने दूसरी बार ले हैंड किया, कहते बहुत मजबूत करके ये खड़ा रहा और जब तीसरी बार आपने इनके ऊपर ले हैंड किया कहते पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और ये गिर गए भाई। उसी दिन से कहते हल्कापन महसूस हुआ और 8 साल के उन भयानक नशों से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। अब 1 महीना हो चुका है कोई नशा नहीं करते, ना शराब ना इंजेक्शन लगाते। इस भाई ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, हाथ में इंजेक्शन के नशे के जो करते थे निशान पड़े हुए हैं, ब्लेड के साथ आत्महत्या की करने की कोशिश की उसके भी निशान पड़े हुए हैं। दिखाओ लेकर आओ, इस सारे ब्लेड के निशाने देखो। तारीफ थोड़ी है तारीफ। हालेलुया, कितने समय है मेरी बात। जो चीज नशा छुड़ाओ केंद्र में जाकर नहीं हो सकती वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, कितने समय इस बात को। अब ये भाई बोल रहे हैं मैं गिरना नहीं है, मैंने पूरा चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा मैं। तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, बड़ों बड़ों को तोड़ देता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जब प्रभु छूता है ना तो एक गिरना वो होता है कि जो बंदा दुष्ट आत्मा से भरा, एक बंदा वो है इसको प्रभु छूता है, पवित्र आत्मा छूता है। हालेलुया, कितने मेरी बात समझ रहे थे की आंदा सी तुहाडे मन दे विच? पापा जी यही आंदा है कि मैं मतलब जिद्दां मतलब तुसीं हाथ रखदे ही ते लोग डिग पैंदे, मतलब ये गलत जवाब है, मतलब सही नहीं गाए। ओके हां जी। अच्छा ते तां तुसीं क्या मैं नहीं डिगना? मैं नहीं डिगना। अच्छा पर तुसीं पहली बारी आए नहीं डिगे? हां जी। उस तों बाद ले हैंड ऑफ फिर डिग पे तुसीं? हां जी। वो है वीडियो भी है गिरने की? हां जी पास्टर जी। कितने समय है मेरी बात ते की नशा कर रहे सी की? भाई सारे नशे करदा जिन्ने भी हैगे आ, फीम भुक्की जो भी मतलब मिल जांदा है खा लेना, टीके भी शराब भी मतलब। अगर नहीं मिलदा सी फिर की हुंदा सी? भाई टूट वजदी शरीर नु मतलब दर्द कुछ भी मतलब चंगा या नहीं लगदा, जदों भी मर जाना मतलब इदां हुंदा सी। ओके, आत्महत्या करन दी भी मतलब बहुत बहुत बड़ी कोशिश कीती? हां जी पापा जी। ओके ते इत्थे कदों आए तुसीं? 22 मई नु तारीख? हां जी भाई। ओके 22 मई नु तुसीं इत्थे आए, ले हैंड होया? हां जी। उस तों बाद की होया फिर? उस तो बाद पापा जी मतलब मैं जाना भी है नशा करन, दिल नहीं करता। ओके वो मतलब जाना भी वापस आ जाना, कोशिश करते हैं, कोशिश करता हां पर मतलब वापस आ जाना मतलब मन च मतलब। कितने को समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया, अगर वचन होगा ना, अगर आप वचन होगे, शैतान हमेशा आपको वहीं पर लेकर जाएगा फिर से जहां से आप निकले हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर वचन होगा, ये बोल लोगों के लिए हैं, अगर आपके बच्चों में कहीं भी कहीं नशा कर रहा है आपके लिए विश्वास करने के लिए, ये कि आप लोग विश्वास करें कि प्रभु हर तरह काम कर सकता है, कुछ भी हो कर सकता है।
उनकी वाइफ को दो माइक। जो ये नशा कर रहे थे तो मतलब की हुंदा सी तुसी किदा परेशान अपना एक्सपीरियंस दसो भी किदा हुंदा सी किदा परेशान तुसी रहंदे सी। बहुत ज्यादा परेशान करते सी घर दे विच कोई कोई मतलब जो पैसे ना देने ने कभी कोई चीज वेच आनी चोरी सुत्या सुत्या कणक लै जानी कभी कोई पैसा कढ के लै जाना एटीएम लै जाना पैसे कढ के लै जानी जो अं एटीएम मतलब पैसे कढ़ा जाना जाके वेखना एटीएम दे विच पैसे ही ना होने फिर इन्हें सच दसना कि मैं वरत गया है। कितने समझ रहे हैं? जिसके घर में नशा होता है ना ये उसी को मालूम होता है। आपको लगता होगा कि यार हाँ चला गया। कितने साल से नशा करते थे ये? आठ साल। हाँ। कितने विश्वास करते हैं क्या प्रभु यहां पर है या नहीं? ले हैंड कब हुआ? 22 मई। ये पिछले महीने की बात है। आज का दिन है 19 जून। मतलब 20-22-25 दिनों के बीच में लाइफ चेंज हो चुकी है पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। जो डॉक्टर नहीं कर पाए, नशा छुड़ाओ केंद्र वाले नहीं कर पाए, कहीं और कहीं रास्ता नहीं मिला, वो प्रभु के भवन में आकर हल हो गया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कितने समझ रहे मेरी बात को? अब इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है कि दोबारा फिर मन करेगा। कौन करेगा करने के लिए? शैतान। अगर वचन दिल दिमाग में होगा तो फिर दोबारा मन नहीं करेगा, क्योंकि वचन में क्या लिखा? पाप की मजदूरी क्या है? मौत। अगर ये वचन दिल दिमाग में बैठ गया, बंदे को पता चला कि मैं पाप करूंगा। कल मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूं, अच्छी फैमिली से बंदा, और उसने मैंने बोला कि आप नशा भी करते हैं, बोले कदी कदी साल समाई कदी दारू साल समाई कदी होना कुछ होता कोई। मैं कहा पाप चाहे छोटा हो चाहे पाप ही है। मेरा माइक मित नहीं होना चाहिए भाई साहब। कितने मेरी बात को समझ रहे? तो उसने मुंह में कुछ डाला हुआ था, मैंने बोला क्या डाला है मुंह में? पान डाला है, ये स्मेल आ रही है। उन्होंने बोला हाँ जी हाँ जी इतना भी कुछ होता है। मैंने कहा ये जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु ने कहा जो इसे खराब करेगा मैं उसे खराब करूंगा। वो डर गया एकदम से। कितनों को समझ आ रही? वचन दिया पूरा टिकाकर, कौन सा वचन देना है ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा अगर पढ़।